दिल्ली के महिपालपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि महिला का पति और उसका दोस्त सोमवार सुबह कविता के घर के बाहर पहुंचे और महिला पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। दरअसल एक साल पहले से कविता और उसके पति के बीच पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते कविता अपने दो बच्चों के साथ बीते एक साल से अपने मायके में रह रही है और उसका पति कविता को रोज जान से मारने की धमकी देता रहता है। फिलहाल कविता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मैं तो सो रहा था, बीमार हूँ, लेट रहा था अपने कमरे में, आवाज आई बहू ने, बड़े वाली ने, मैं जगाया, पापा ऐसे ऐसे कविता के गोली मार दी, मैं नीचे आया हूँ, इतने वो लड़का जो है वो उठा कर गाड़ी में रूम स्पाइनल ले गए थे, 100 नंबर पर कॉल करी मैंने, पुलिस आ गई। पति और उसके दोस्तों ने मारी है? पति उनके साथ था, जो दूसरा था उसने गोली मारी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।